तुम्हारे स्टैंडर्ड के काबिल तो नहीं है, लेकिन सॉरी, मुझे यहाँ काफी दिन नहीं रहना। बाबा जैसे ही मुझे माफ कर देंगे यहाँ से चल जाऊंगी। वो सब जानता हूँ मैं, मुझे रिलैक्स करना है, थक गई हूँ। रूम कहाँ है? सामने। अब नताशा देखो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा अपने साथ रहने के लिए। तुम जब कहोगी, जिस वक्त कहोगी, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक बात सुनना होगी। देखो नताशा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मर जाऊंगा मैं। तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। प्यार का तो तुम नाम भी मत लेना। मैं कोई खुशी से नहीं आई हूं यहाँ पे, इतनी मजबूरी से आई हूं। किसी खुशफहमी में मत रहना तुम। मामा को फोन करके सब कुछ बता दूंगी और चली जाऊंगी यहाँ से। क्या बताओगे कि तुमसे गलती हो गई, गलत जगह शादी करके पछता रही हो तुम? तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें माफ कर देंगे? वो मुझे माफ करे ना करे, तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। शादी के चंद रोज बाद जब तलाक लेकर घर जाओगी तो क्या वो फूलों से इस्तकबाल करेंगे तुम्हारा? खुशफहमी है तुम्हारी, सब मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा। जिंदगी भर इस नाकाम फैसले के ताने सुनने पड़ेंगे तुम्हें। जवान लड़की पर तलाक का थप्पा लगना कोई मामूली बात नहीं है। तुम्हें क्या लगता है उसके बाद तुम्हें कोई अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे? हाँ, अरे सब मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा, तुम्हारे घर वाले, जानने वाले। घर से भाग कर शादी करने वाली लड़की की कोई इज्जत नहीं होती है। बकवास बंद करो। मुझे तो चुप करवा लोगी, अगर दुनिया वालों की जबानी कैसे बंद करवाओगी? वापस वापस जाके उस राजी से शादी करनी पड़ेगी तुम्हें, पहले ही कर लेती। देखो नताशा, बेहतर यही होगा कि तुम अभी यहां रहो, ठंडे दिलो दिमाग से सोचो अपने फ्यूचर के बारे में। तुम एक पॉजिटिव स्ट्रांग लड़की हो, मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी आसानी से हार मानने वाली।